अब हम जिस टाइप ऑफ रिटेलर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऐप रिटेलर विच मीज एप्लीकेशन रिटेलर ये वो रिटेलर है विच इज सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और बोथ थ्रू द एप्लीकेशन थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशन टू द एंड कंज्यूमर एंड यू विल सी आज के दिन में देर आर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल जिसको कस्टमर प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए यूज भी कर रहा है नॉर्मली मोबाइल एप्लीकेशन आर यूज बी टू सी जिस तरीके से हमने ऑनलाइन रिटेलिंग की बात की अपनी पिछली स्लाइड्स के अंदर कि देर टारगेट इज़ ऑल्सो बी टू सी इसी तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन के केस के अंदर भी जो टारगेट कस्टमर है दैट इज़ बिज़नेस टू कंज़्यूमर अ पर्टिकुलर बिजनेस इज़ सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू एंड कंज्यूमर हमारे पास इसी तरीके से इसकी कुछ एग्जाम्पल भी मौजूद हैं ऐप रिटेलर की और मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी इसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने लगा हूँ और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करने लगा हूँ अगर आप इन जनरल एक मिनट के लिए थॉट प्रोसेस को देखें तो यू आर यूजिंग स्काइप यू आर यूजिंग व्हाट्सएप यू आर यूजिंग ट्विटर यू आर यूजिंग टम्बलर यू आर यूजिंग और मे बी मैनी ऑफ दी एप्लीकेशंस, दीज आर सच एप्लीकेशंस जो कि एक्चुअली एंड कंज्यूमर को फैसिलिटेट कर रही हैं इन जनरल दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज स्काइप इज़ वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ इट पाकिस्तानी कॉन्टेक्स के अंदर अगर मैं किसी एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो हमारे पास ओ एल एक्स की एग्जाम्पल है अगेन अ प्लेटफॉर्म फॉर द कस्टमर जिसकी जो कि सेलिंग ऑनलाइन भी कर रहा है ओवर द वेब भी कर रहा है और दे आर सेलिंग देर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगेन थ्रू द मोबाइल ऐप ये बात यहाँ पर जानना और समझना ज़रूरी है कि कोई भी रिटेलर कैन यूज़ मल्टीपल चैनल ऑफ रिटेलिंग नॉट नेसेसरली कि वो सिर्फ एक ऑनलाइन रिटेलर हो या वो सिर्फ एक ऐप रिटेलर हो या वो एक सिर्फ फिज़िकल रिटेलर हो जो कि फिज़िकल स्टोर कर रखता हो तो कोई रिटेलर कैन यूज़ एनी वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे ऐसे ऐप रिटेलर नज़र आएंगे जो कि ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं जिस तरह ओ एल एक्स की एग्जाम्पल मेरे सामने है ऑयल एक्स की एग्जाम्पल के अंदर ऐप रिटेलर भी है और ऑनलाइन रिटेलर भी है इसी तरीके से हमारे पास अगेन वन ऑफ द लोकल एग्ज़ाम्पल्स ताज़ा मार्ट के हवाले से है हेलो ग्रॉसर्स के हवाले से है हमारे पास ग्रॉसर्स ऐप के हवाले से है ये वो अमरजिंग बिजनेस हैं इमरजिंग एप्स हैं जो कि एक्चुअली ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं जो कि फ्रेश प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं टू एंड कंज्यूमर अच्छा ये बात समझना ज़रूरी है कि जब हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की बात कर रहे हैं एप्लीकेशन के थ्रू तो नॉर्मली इसमें दो तरह के परस्पेक्टिव इन्वॉल्व होते हैं एक तो डिलीवरी ऑफ़ दि प्रोडक्ट और दूसरी पेमेंट ऑफ़ सच प्रोडक्ट्स सो क्योंकि फ़्रेश प्रोडक्ट्स के साथ मेजरली डिलीवरी के हवाले से चैलेंज आता है डिलीवरी ऑफ़ द प्रोडक्ट्स के हवाले से चैलेंज आता है इसीलिए आपको एप्लीकेशंस बहुत कम फ्रेश फूड प्रोडक्ट्स के हवाले से नज़र आएंगी विच मीनस वो तमाम ऐप रिटेलर जो कि फ़्रेश प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं बहुत थोड़ा नज़र आएंगे इसीलिए यहाँ पर अगर मैंने एक ताज़ा मार्ट की एग्जाम्पल आपसे शेयर किया सो दे आर सेलिंग फ्रेश

इसी तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँ तो हमारे पास यू मॉल की एग्जाम्पल है यू फोन एक टेली कम्युनिकेशन की कंपनी है एंड दे हैव लॉन्च दिस एप्लीकेशन विच इज कॉल्ड यू मॉल और यू मॉल क्या चीज है एक्चुअली यू कैन बाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू द यू मॉल थ्रू दिस एप्लीकेशन सो दे आर ऑलरेडी यूजिंग दिस रिटेल चैनल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फूड पांडा की एग्जाम्पल हमारे पास है इसी तरीके से हमारे पास हाई फूड की एग्जाम्पल है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ईटोई की एग्जाम्पल है और इस तरह की और हंड्रेड एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि अगेन पाकिस्तान के अंदर दिस एप्लीकेशन बिजनेस इज़ क्विकली ग्रोइंग तो इसका मतलब ये है कि यू विल फाइंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोडक्ट्स को बाय करने की एंड प्रोडक्ट को सेल करने की थ्रू दी एप्लीकेशन रिटेलर और नीचे लास्ट स्लाइड के अंदर यू विल फाइंड अगेन बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जो कि सिर्फ किसी गेम्स के हवाले से हैं जो कि किसी स्पोर्ट्स के हवाले से हैं जो कि किसी न्यूज़ के हवाले से हैं दे आर ऑल एप्लीकेशन एंड दे टारगेट कस्टमर इज इन मोस्ट ऑफ़ द केसेस इज़ एंड कंज्यूमर